गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अभिजीत ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं रोइंग, मेरा साथ में आज शानू मेरा भाई, और रास्ता में और एक भाई को मिल गया है राजा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब काम में, आज मंडे है और मंडे हम लोग का काम होता है, हम लोग सेल्स का काम करते हैं, इसीलिए सुबह सुबह मिल गया। देखिए भाई लोग को यात्रा हो गया दो भाई का, और यहाँ पर हम लोग के साथ है सेल्स ऑफिसर शानू, यहाँ पे है हम लोग का भाई राजा। देखिए सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब लोग मिल गए। तो अभी हम लोग जाएंगे रोइंग में काम करके फिर आ जाएंगे। हम लोग का एक ही दिन आता है संडे का दिन जब पार हो जाता है तो फिर हम लोग का काम स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस बात ऐसा है, संडे एक ही दिन आता है और आके चला जाता है फटक से, सब घर का काम करते करते ही चला जाता है। सोचता हूँ कहीं पर जाऊँगा लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है, और आज मंडे है, काम है, अच्छा जगह में जा रहा हूँ इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, अभी हम लोग सदिया ब्रिज के ऊपर में है। देखिए आप लोग बहुत ही बढ़िया व्यू है, और आज मैं सेकेंड टाइम सदिया ब्रिज के ऊपर मतलब खड़ा हूँ बाइक में आया हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाइक में तो जाते जाता हूँ लेकिन आज सेकेंड टाइम रुका हूँ सदिया ब्रिज के ऊपर। तो देखिए आप लोग बहुत ही बढ़िया व्यू है, और पानी देखिए पूरा हरा हरा एकदम दिखाई दे रहा है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है इस सुबह का टाइम का, और काम में जाने का टाइम है, मतलब ऐसा नज़ारा मिलने से काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। और ये रास्ता में देखिए पूरा गाड़ी फाड़ फाड़ के जाता है, बहुत ही बढ़िया व्यू। तो गाइस ऐसा लग रहा है मतलब मैं यहाँ पे पूरा दिन पार कर दूँ, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, अभी मैं काम में जा रहा हूँ इसीलिए, और काम करके फिर आना पड़ेगा। और रोइंग जाने में मतलब तिनसुकिया से 3 घंटा लगता है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं रुकूँगा, अभी मैं चला जाऊँगा। तो आप लोग को दिखा देते थोड़ा नज़ारा, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस काफ़ी बढ़िया लग रहा है नज़ारा, और पानी पूरा ग्रीन ग्रीन है, देखिए आप लोग। और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, जब आदमी बड़ा कोई कंपनी में घुस जाता है ना तो उसका लुक कुछ ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है जब बड़ा आदमी बन जाता है आदमी तो ऐसा होता है लुक। देखिए सनग्लास देखिए कितना दामी हो गए। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ सदिया ब्रिज का, जो कि काफ़ी बढ़िया है, सुबह का टाइम में यहाँ पे रुकने से काफ़ी अच्छा लगता है, शांति लग रहा है। देखिए आज मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, पूरा धूप है, और इस तरफ देखिए पूरा गाड़ी सब फाड़ फाड़ के जा रहा है, और इस तरफ भाई देखिए पूरा सेल्फी ले रहा है, अभी रील्स बनाएगा हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस अभी हम लोग भूपेन हजारिका सेतु में हैं सदिया ब्रिज में, और ये जो ब्रिज है बहुत ही लंबा है, और नज़ारा देखिए काफ़ी बढ़िया लगता है सुबह सुबह। अभी हम लोग गए सदिया ब्रिज से जा रहे हैं, और सुबह सुबह ब्रिज में खड़ा होने से काफ़ी अच्छा लगता है, मन थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोइंग का भी थोड़ा नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा अच्छा नज़ारा है रोइंग का भी, चलिए आगे चलते हैं। स्मार्ट बॉय अभी चश्मा पहन लिया है, चलो पूरा फाड़ के बाइक चला रहे हैं,
ये है रोहिंग का रास्ता, मतलब तो पूरा सीधा है। तो फिलहाल अभी हम लोग गाइस रोइंग टाउन पहुँचेंगे, मतलब पहुँचा नहीं, देखिए बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और अभी भाई बाइक चला रहा है, इतना देरी मैं चला रहा था। देखिए आप लोग बहुत ही बढ़िया व्यू है, और आप लोगों को आगे जाके और अच्छा व्यू दिखाएंगे। पहले काम कर लेंगे उसके बाद जाएंगे हम लोग, आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। ये है रोइंग टाउन अरुणाचल, बहुत ही बढ़िया है अरुणाचल। आप लोग भी एक बार आइए अरुणाचल में, बहुत ही अच्छा लगेगा। और रोइंग में आइए एक बार, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पे आदमी लोग आता है पिकनिक खाने के लिए देवपानी में। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे देवपानी का नज़ारा, पहले भी दिखाया था आज भी दिखाएंगे। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग रोइंग लोअर मार्केट पे है, देखिए नज़ारा, पहाड़ बहुत ही सामने लगता है लेकिन ये सामने नहीं है, दूर है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया व्यू है, यहाँ पे आने से मन करता है कि यहाँ पे रह जाओ, लेकिन घर तो जाना ही होगा। घर में बीवी है, माँ है, पिताजी है, जाना तो पड़ेगा ही। अरे तो गाइज अभी जाते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं व्यू। आगे जामू चलो। तो अभी हम लोग गाइस रोइंग देवपानी आ गए हैं, देखिए फिर से रोइंग देवपानी में पहुंच चुके हैं हम लोग। देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू है, शाम का टाइम का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज फर्स्ट टाइम शाम का टाइम में आया हूँ, देखिए इस तरफ देखिए काफ़ी बढ़िया ब्रिज का नज़ारा, शाम का टाइम में बहुत ही बढ़िया लगता है। नीचे जमु है, माम लगते सो चट्टा वो। तो फिलहाल अभी हम लोग गाइस रोइंग देवपानी घाट का सामने जा रहे हैं, पूरा जंगल ही जंगल है, देखिए बीच से निकल रहे हैं हम लोग और पीछे आ रहा है भाई सानू। देखिए सनलाइट काफ़ी अच्छा गिर रहा है यहाँ पे, और ये साइड का व्यू देखिए आप लोग, बहुत ही बढ़िया व्यू है। अभी यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है गाइस, बात ऐसा है खाना खाने के बाद, मतलब यहाँ पे आया हूँ अभी, बहुत ठंडा लग रहा है। और एक बात है, मैं आज स्वेटर नहीं लिया, जैकेट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, क्योंकि सुबह में थोड़ा गर्मी जैसा लग रहा था इसीलिए। और अभी देखिए पूरा ठंडा लग रहा है, और भाई पूरा जैकेट लेके आया आराम से, वो आराम से जाएगा और मैं ठंड में पूरा काँप काँप के जाऊंगा। तो आप लोगों को एक बार फिर से देवपानी का व्यू दिखा रहा हूँ, चलिए नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, अभी मैं रोइंग देवपानी नदी का पूरा ब्रिज में हूँ, और बहुत ही बढ़िया व्यू है। ऊपर में देख लीजिए ब्रिज काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और पीछे में वहाँ पर बैठा है हम लोग का भाई सानू, देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पानी देखिए आप लोग, पूरे बढ़िया से पानी जा रहा है, एकदम टिप टॉप नज़ारा है, एकदम बेस्ट क्वालिटी। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और एक बात है गाइस, यहाँ पे मैं आते रहता हूँ, हर महीना में एक बार आता हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, जगह ही ऐसा है, पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। पूरा मछली का सेंट निकल रहा है यहाँ से। आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा इस सब जगह में आने से, मतलब आप लोग को कैसा लगेगा, और जाने का मन करेगा कि नहीं, एक बार कमेंट करके बोलिएगा।
देखिए कैसा व्यू है। अब बोलिए, कोई भी आदमी को मतलब यहाँ पे आने से जाने का मन करेगा तो खुद बोलिए। देखिए मैं उस पार से इस पार आ गया हूँ, भाई उस पार बैठा है। और एक बात है मतलब गाइस, इस नदी का नाम है पगला नदी। मतलब इस नदी का नाम है पगला नदी। हाँ, ये नदी जो है देखिए यहाँ पे अचानक पानी भर जाता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए इस नदी को पगला नदी बोलता है, ड्राइंग का पगला नदी। गाइस अभी थोड़ा फोटो तो क्लिक कर लेते हैं चलिए। तो अभी मैं गाइस धीरे धीरे नदी का इस पार से उस पार हो रहा हूँ, भाई आगे चला गया है। मतलब इस तरफ पानी नहीं है, पानी सूख गया है, पहले बहुत ज़्यादा पानी था, अभी पानी नहीं है। और इस साइड में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया नज़ारा, क्या व्यू है गाइस, बहुत ही बढ़िया है। भाई वहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है, देखिए आप लोग मजा। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा नज़ारा है, देखिए ये है रोइंग देव पानी। देखिए आप लोग गाइस, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, काफ़ी बढ़िया। ये जो व्यू है देखिए, काफ़ी बढ़िया व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस साइड पे देखिए पूरा वाइट वाइट पानी है, तो मज़ा। तो गाइस फिलहाल मैं अभी आप लोगों को देवपानी नदी का एक व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू है, मतलब तो प्रीमियम व्यू है। ये व्यू जो है बहुत ही प्रीमियम है, ऐसा व्यू बहुत ही नसीब लगता है देखने के लिए। देखिए आप लोग गाइस कैसा नज़ारा है, क्या व्यू है, और पानी का स्रोत देखिए कैसा पानी बह रहा है। यहाँ पे गिरने से ठेल के लेके जाएगा। उस तरफ भी आदमी है, देखिए सब आदमी रोइंग का सब आदमी यहाँ पे संकट में आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है इसीलिए आता है। देखिए आप लोग गाइस, बढ़िया बढ़िया, आज तो बहुत ही मज़ा हो गया गाइस, सोचा नहीं था ऐसा नज़ारा मिलेगा। मतलब पहले मैं उस साइड में आया था, इस साइड में नहीं आया, आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बढ़िया बढ़िया, मज़ा हो मज़ा। पोज देखिए भाई का तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, अभी मैं एक पत्थर का ऊपर खड़ा हूँ और बहुत ही बढ़िया व्यू है, ऊपर से पूरा इसका व्यू ले रहा हूँ, देखिए नदी का। तो गाइस ये है वो पार जो पहले आप लोगों को मैंने दिखाया था, तो उस पार बहुत ही ज़्यादा पानी है, अच्छा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि अभी ठंडा लगेगा ज़्यादा रात हो जाने से। चलिए चलते हैं आगे, बात ऐसा है गाइस यहाँ पे जितना देरी रुकूंगा उतना ही लेट होगा। और ये है जो पार पहले आप लोगों को दिखाया था, ये है एक पार, और हम लोग गया था आज सेकेंड वाला पार में, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा क्योंकि उस साइड में पानी का जो स्रोत है, लहर है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही मतलब तेज़ी से जाता है और बहुत ही ज़्यादा है पानी। तो गाइस चलिए चलते हैं, अभी हम लोग पिंचिका की तरफ जाएंगे, अभी काफ़ी लेट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस सूरज डूब रहा है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, देखिए शाम का टाइम में ये नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत आदमी आता है इस टाइम में फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो गाइस चलिए चलते हैं, इस तरफ रोड है देखिए। गाइस बात ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा पत्थर था इसीलिए पूरा थक चुका हूँ,
और इस तरफ है रोइंग टाउन और इस तरफ है देवपानी। देखिए ये है देवपानी का जो रास्ता, रास्ते का साइड से देवपानी जाने का रास्ता है। देखिए ये है देवपानी, ऊपर से उतना मालूम नहीं चलता है कि नीचे जाके ऐसा कुछ होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।